वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे स्टार्स की मदद से आप एच शेप को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए उसको जानते हैं। यहाँ पर पाईचार्म में हमने आपके लिए एक डायग्राम प्रिपेयर किया, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम आपके सामने है, यही हम प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे कोडिंग में। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि देखिए हमने यहाँ पर कॉलम नंबर कुछ डिफाइन किए 0 to 4, कुछ रो नंबर भी लिए 0 to 6। ऐसे ही आपको कॉलम नंबर और रो नंबर के साथ आपके स्टार्स को प्रिंट करवाना है कोडिंग में भी, और कहां पर ये स्पेस ऐड करना है ये भी मैं आपको कोडिंग में ही बताऊंगा। तो चलिए यहां पर एक नई फाइल बनाते हैं पाइथन की, और उस फाइल का नाम क्या रखेंगे, एच। क्यों एच शेप? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी फाइल में एक्चुअल में किस टाइप का डेटा है जब भी हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक फॉर लूप का यूज करना होगा, जो फॉर लूप रो के ऊपर और कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो कैसे, मैं आपको यहां पर बताता हूं। फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब ये रेंज फंक्शन क्या होता है, देखिए रेंज फंक्शन का काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो उतने टाइम्स तक आपके फॉर लूप को वो चलाएगा। कैसे, मान लीजिए मैं यहां पर देता हूं 100, तो ये क्या करेगा 100 टाइम्स आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में मुझे कहां तक चलाना है, देखिए रो में अगर आप चेक करेंगे तो 0 to 6, तो आपको कहां तक चलाना है, 0 to 6 मतलब 7 टाइम्स, तो आपको यहां देना होगा 7। ठीक है, अब आते हैं कॉलम के लिए, फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन। अब यहां पर भी हमें रेंज देना होगा, तो हमारी रेंज क्या है कॉलम की, 0 to 4, तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा 5। ठीक है, ये हमारे रो और कॉलम का काम हो चुका है। लेकिन अब आता है मैटर कि हमें कहां पर स्टार को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है, ये दोनों चीजें होती है। तो ये जो कंडीशन वाले काम होता है ना, ये हम इफ एल्स कंडीशन की मदद से करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इफ। अब इफ में क्या क्या कंडीशन लिखना है, तो हम देखेंगे कि कहां कहां हमें स्टार को प्रिंट करना है, ये वाला काम हम इफ में कर देंगे, और जो कहां नहीं करना है वो एल्स ऑटोमेटिकली ही लेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ कंडीशन लिखते हैं। मान लीजिए कॉलम इक्वल टू 0 और कॉलम इक्वल टू डबल इक्वल टू 4। अब ये मैंने क्यों लिखा, देखिए ये जाएगा कॉलम 0 और कॉलम 4 के पास। तो हम आते हैं यहां पर डायग्राम में, देखिए ये जाएगा कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 4 पर। तो यहां पर ये क्या करेगा, सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, ये वाले स्टार 0 कॉलम और 4 कॉलम के सारे प्रिंट कर देगा। अब आता है मैटर कि देखिए ये सारे प्रिंट हो चुके, तो हमारे पास सिर्फ ये 3 स्टार को प्रिंट अप करना है। तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, आगे यहां पर और ऑपरेटर्स के साथ लिख देंगे रो इक्वल टू 3। तो ये क्या करेगा, रो नंबर 3 को भी पूरी तरह से प्रिंट कर देगा। देखिए ये वाले, ये रो नंबर 3 को पूरी तरह से प्रिंट कर देगा। इसमें अभी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल में ये 3 पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा, तो हमारा शेप इससे तो बन जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहां पर क्या कर देंगे, प्रिंट, प्रिंट में बोल देंगे कि स्टार को प्रिंट कर दो। ठीक है, ये स्टार को प्रिंट कर देगा, हमारा काम हो चुका है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जब प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना कहीं पर भी, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस देता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी लाइन के एंड में स्पेस आए, तो हमें क्या करना होगा, यहां लाइन के एंड में मॉडिफिकेशन करना है। अब कभी भी हम लाइन के एंड में मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमें यहां पर लिखना होता है एंड फंक्शन। सॉरी मैंने यहां पर वो स्पेस दबा दिया, ठीक है, एंड फंक्शन का यूज करना होता। अब ये एंड फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी लाइन के एंड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 345, तो आपकी लाइन के हर लाइन के एंड में 345 लिखा आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि स्पेस ना आए, तो मैं यहां पर स्पेस नहीं दूंगा, तो इस पे मेरी लाइन में जो स्पेस पहले आना था वो नहीं आएगा। अब आते हैं एल्स कंडीशन में, तो एल्स कंडीशन को क्या बोलेंगे, देखिए इफ वाली कंडीशन हमारे स्टार्स को प्रिंट कर देगी नो डाउट, लेकिन अब जहां स्टार प्रिंट नहीं होंगे वहां पर हमें क्या देना है, स्पेस देना है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं एंड फंक्शन की मदद से। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट एंड फंक्शन, और इसमें देखिए मैं ब्रैकेट में स्ट्रिंग में एक स्पेस दे देता हूं। अब इससे क्या होगा, जहां जहां स्टार प्रिंट नहीं होगा वहां वहां क्या ये क्या करेगा, एक स्पेस एड कर देगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब हम यहां पर लिखेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं, देखिए जब भी आपका फॉर लूप वर्क करेगा या चलेगा, ठीक है, अब वो जब रन होता है ना, तो वो क्या करता है, हर बार आपके स्टार को प्रिंट करता है। अब एक बार रन हुआ, एक स्टार को प्रिंट कर दिया, लेकिन अगली बार जैसे रन होगा तो वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो अभी हमने लिखा है ये क्या करेगा, आपके स्टार को एक बार रन होने के बाद, एक बार प्रिंट होने के बाद हर बार नई लाइन देगा। यही काम होता है प्रिंट स्टेटमेंट। देखिए मैं इसको अभी फिलहाल में यहां पर कमेंट कर देता हूं, अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए एक लाइन में प्रिंट होगा, देखिए बहुत बढ़िया ये एक लाइन में सारा आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको आप कमेंट आउट कर देता हूं, सॉरी कमेंट से बाहर ले आता हूं,
तो ये आप देखिए पूरा डायग्राम आपको शो करेगा। बहुत बढ़िया, देखिए हमारा एज कितना शानदार दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये एज बनाना पूरी तरह से आ चुका होगा। ये कंडीशन हमने क्यों लिखी ये भी समझ में आ चुकी। देखिए ये कंडीशन में आप और भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप लगा सकते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। अभी तक हमारा काम हो चुका है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा और एडवांस लेवल पर समझा रहा हूं। तो यहां पर आप एंड लिख सकते हो और एक कंडीशन और लगा सकते हो। कौन सी? देखिए यहां पर आप लिख सकते हो कॉलन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड जो भी आपका कॉलन होगा वो लेस देन फोर होना चाहिए। इससे काम होगा बिल्कुल, देखिए सेम रिजल्ट आएगा। इसको रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो पहला आउटपुट दे रहा था वो अभी भी देगा, देखिए। लेकिन ये एक एडवांस लेवल का काम क्यों है, देखिए हो क्या रहा है। हमने क्या करा, कॉलन जीरो और कॉलन फोर को पूरी तरह से प्रिंट कर दिया। देखिए ये कॉलन जीरो और कॉलन फोर को पूरी तरह से प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने पहले क्या बोला था, रो थ्री को प्रिंट कर दो। तो ये जाएगा रो थ्री और इसको भी प्रिंट कर दो। तो ये वाला जो स्टार है यहां पर ये 0.3 वाला और ये 4.3 वाला, ये वाला स्टार, ये दो स्टार क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ये ओवरलैप जो होता है इसको बचाने के लिए हम यहां पर क्या बोल देंगे कि आप रो नंबर थ्री में कॉलन ग्रेटर देन जीरो रखो और लेस देन फोर रखो। तो ये इससे क्या होगा, ये जो ओवरलैप पहले हो रहा था ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये ओवरलैप नहीं होगा। तो ये चीजें आपको सीखनी होगी, ये बेसिक से काम है। जब भी हम प्रोग्राम लिखें तो कोई भी चीज ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रोग्रामिंग की बोल सकते हैं बहुत बुरी आदतें होती है, इनको छोड़ना होगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, नो डाउट। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज़।